हेलो एवरीवन, तो आपका अपना एजुकेशन, अपना चैनल, एजुकेशनल चैनल रीना एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जॉन गाल्सवर्थी से बनने वाले कुछ बहुत महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, खासकर पीजीटी एलटी जीआईसी, जहाँ भी इंग्लिश लिटरेचर आता है वहाँ गाल्सवर्थी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन उनके गाल्सवर्थी से पूछे जाते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। इसमें 1 मिनट का भी आपके लिए टाइम वेस्टेज नहीं है और पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्वेश्चन लिए हैं, आप भी साथ साथ अपने क्वेश्चन पर टिक करते चलिए और बाद में स्कोर कीजिए कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गाल्सवर्थी मेट हिम इन 1893 एंड फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम, आइडेंटिफाई कौन था या कौन थे वो जिनसे गाल्सवर्थी 1893 में मिले और उनकी फ्रेंडशिप्स उनके लंबे समय तक रही। तो इसमें हमारे ऑप्शन आता है, एक कॉनराड शाह, बर्नार्ड शाह को बोला है जीवी शाह, थॉमस हार्डी या एरिक इप्सन। तो यहाँ हमारा आंसर होता है ए सही, कॉनराड। कॉनराड से मिले थे वो 1893 में और उनके साथ लंबी फ्रेंडशिप रही थी उनकी। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्थी एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर वाइंड्स अपीयर्ड इन 1897 अंडर द सूडोनेम। जो फर्स्ट वॉल्यूम्स आया था उनका, तो वो कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरी का फ्रॉम द फोर वाइंड्स, जो 1897 आया था। तो वो सूडोनेम यानी एक नाम उन्होंने ले लिया था, उस नाम से आया था। तो वो नाम पूछ रहे हैं वहाँ गाल्सवर्थी का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए आता है जॉन गाल्स, सी बोज, बी जॉन सेंट जॉन और डी एलिया। तो इन्होंने जो वर्क लिखे थे इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, जॉन सेंट जॉन। एलिया कहा जाता है चार्ल्स लैम को, चार्ल्स लैम ने जो वर्क लिखे थे वो एलिया नाम से लिखे थे, ऐसे जो लिखे थे। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, गाल्सवर्थीज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश इन 1898, विश नॉवेल। गाल्सवर्थी का पहला नॉवेल पब्लिश हुआ था 1898 में और वो कौन सा नॉवेल है उनका जो 1898 में पब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन ए आता है जॉसलिन, बी बिल्ला रूबियन, सी मैन और डिवोन ए नाइट और डी साइंस। तो इनका इसका आता है आंसर नंबर ए, जॉसलिन। जॉसलिन उनका सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1898 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन, आई रीड इन बारियस चैम्बर प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थोरली, हु सैड। किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि आई रीड इन बारियस चैम्बर प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन। तो इसके ऑप्शन आते हैं हमारे, ए ऑप्शन है शाह, जी बी शाह, जॉन गाल्सवर्थी, थॉमस हार्डी, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होता है यहाँ पर बी सही, जॉन गाल्सवर्थी का स्टेटमेंट है ये, आई रीड इन वारियस चैम्बर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 5, बर्न इट एंड यू विल ओबलाइज मी, बर्न इट एंड यू विल ओबलाइज मी, अबाउट विच डज गाल्सवर्थी टॉक हेयर। यानी यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये किस वर्क में उन्होंने लिखा है बर्न इट एंड यू विल ओबलाइज मी। तो यह है हमारा ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है फ्रॉम द फोर वाइंड्स, बी जॉसलिन, सी सिल्वर बॉक्स, डी नन ऑफ दीज। तो ये जो बात की है जॉन गाल्सवर्थी ने यहाँ पर, ये किया ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम द फोर वाइंड्स के लिए, बर्न इट
सिक्स हमारा क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट वर्क दैट अर्न गाल्सवर्दी वाज नॉवेल आइडेंटिफाई, पहला वर्क जो क्या है उनका नॉवेल है वो कौन सा है, नॉवेल के रूप में जाना जाता है पहला वर्क तो वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए है फ्रेटर्निटी, बी कंट्री माउस, सी इजलैंड फेरीज और डी जोसलिन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, इजलैंड फेरीज। इजलैंड फेरीज क्या है, एक नॉवेल के रूप में भी जाना जाता है इजलैंड फेरी। सेवन क्वेश्चन आता है, द इजलैंड फेरीज होल्ड्स अप अ पिक्चर ऑफ वेल्दी क्लास रूलिंग, यानी इजलैंड फेरीज जो है ये एक धनी वर्ग के रूलिंग की तस्वीर है, तो क्या है ये, किसके ऊपर रूल कर रहे थे वो। तो ऑप्शन ए है ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम, बी ऑप्शन है ओवर द रिच क्लास एंड फ्लैटरिंग देम, फिर है ओवर द पुअर क्लास एंड ट्राइंग मेक देम रिच, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर ए, ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम। अगला क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट, पहला वर्क पहला प्ले जिसने गाल्सवर्दी को क्या बना दिया, फेमस बना दिया, वो कौन सा था। तो ए है हमारा जस्टिस, बी लॉयल्टीज, डी नन ऑफ दीज और सी द सिल्वर बॉक्स। तो इसका है हमारा आंसर सिल्वर बॉक्स, जो 1906 में आया था सिल्वर बॉक्स, और इसने क्या हो गया था, गाल्सवर्दी फेमस हो गए थे सिल्वर बॉक्स से ही। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, गाल्सवर्दी रेपुटेशन एज अ नॉवेलिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, गाल्सवर्दी की जो पोजीशन थी रेपुटेशन थी वो नॉवेल के बारे में, नॉवेल के बारे में एस्टेब्लिश हुई, तो इन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा था उसके बाद में। तो ए ऑप्शन फॉरसाइट सागा, डी ऑप्शन द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स नॉवेल नहीं है, एक प्ले है अभी आपने पढ़ा था ये, जोसलिन और जस्टिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आता है इसका सही आंसर, फोरसाइट सागा के बाद में जो ट्रायलॉजी है एक, उसके बाद में गाल्सवर्दी एक नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाने लगे थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, द फोरसाइट सागा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, द फोरसाइट सागा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फोरसाइट सागा इंक्लूज मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आई थी, उसमें इन चांसरी, मैंने अभी बताया था कि ये क्या है, ट्रायलॉजी है, और इसमें तीन ट्रायलॉजी वर्क आया था, तो इसमें एक ट्रायलॉजी में कम से कम 5 वर्क थे स्टार्टिंग में, जिसमें 3 नॉवेल थे और 2 इंटरल्यूड थी। तो इसमें कुछ नॉवेल के नाम दे रखे हैं, मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आया था, इन चांसरी 20 में, टू लेट 21 में, और 2 इंटरल्यूड थी इसमें। ये तो नॉवेल के नाम दे दिए, इंटरल्यूड बतानी है कौन कौन सी है इसमें फोरसाइट सागा में। तो फर्स्ट है विलियम इंडियन विंटर ऑफ ए फोरसाइट, बी ऑप्शन है इसका ये कही रह गया टेल्स एंड अवेकनिंग, बी है इंडियन एटमन ऑफ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग, सी ऑप्शन है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग। 11 क्वेश्चन आता है, विश प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद इनएडिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल टुवर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर। तो ये किस प्ले की थीम है गाल्सवर्दी के, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आता है द शो, बी आता है
जॉसलिन सी एस्केप डी नन ऑफ दीज। तो इसका होता है सही आंसर सी एस्केप। एस्केप आंसर नंबर सी इसका सही है, क्योंकि एस्केप छूटना होता है। लोग जब जेल से छूटते हैं प्रिजनर कैदी, तो उनके प्रति दृष्टिकोण क्या होता है, तो वो क्या है एस्केप की थीम है ये। फिर विश प्ले एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजरी, यानी डोमेस्टिक ट्रेजरी के बारे में कौन से प्ले जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है द शो, बी ऑप्शन जॉसलिन, सी एस्केप, नन ऑफ दीज। तो अभी आपने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में एस्केप की थीम पढ़ी है, तो और जॉसलिन क्या है, नॉवेल है, तो ट्रेजरी है नहीं है। तो इसका आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए द शो। कभी कभी आंसर को सही टिक करने के लिए हमें एक तरफ रेडिकेट करने पड़ते हैं गलत आंसर, पहले हम गलत आंसर टिक कर लेते हैं तो हमें सही आंसर हमारा निकल के जाता है आसानी से। फिर अगला क्वेश्चन आता है 13, विच प्ले कॉन्ट्रास्ट द फैक्ट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन होटल। किस प्ले में कॉन्ट्रास्ट हुआ है स्टोरीज में इन अ होटल में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आता है हमारा द शो, सॉरी द रूफ, बी ऑप्शन है जॉसलिन, सी ऑप्शन है एस्केप और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका है सही ऑप्शन रूफ। द रूफ की थीम है ये, कंट्रास्ट होता है फेयर्स द वेरियस स्टोरीज इन अ होटल। 14 क्वेश्चन आता है लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवार्ड, लिटरेचर अपने आप में रिवार्ड है, किसने कहा ये। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है शाह, वी इप्सन, सी वर्सवर, डी गासवर्दी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है गासवर्दी। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा द ईयर इन विच गासवर्दी फादर डाइड वाज आल्सो द ईयर द पब्लिकेशन आर इंग्लैंड फेरीज, फाइंड आउट द ईयर। यानी जिस ईयर गासवर्दी के फादर डाइड हुए थे उसी ईयर इंग्लैंड फेरी का पब्लिकेशन हुआ था, तो वो ईयर कौन सा था। तो ए ऑप्शन है इसका 1904, बी ऑप्शन है 1905, सी ऑप्शन 1906 और डी ऑप्शन 1907। तो आंसर है हमारा 1904 ए सही होता है इसका, 1904 को इंग्लैंड फेरी पब्लिश हुआ था। 16 क्वेश्चन है टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गासवर्दी कम इन विद, टर्निंग पॉइंट कब आया था गासवर्दी के लाइफ में किस वर्क के पब्लिकेशन के बाद में। तो फर्स्ट है इसका ए ऑप्शन द मैन ऑफ पॉवर्टी, बी ऑप्शन है मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सी जस्टिस, डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा आंसर होता है बी सही, द मैन ऑफ प्रॉपर्टीज के बाद में गासवर्दी का टर्निंग पॉइंट आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डिड गासवर्दी बिकम इन 1921 में गासवर्दी क्या हुए। तो इन्हें किसकी उपाधि मिली, प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब, प्रेसिडेंट ऑफ द पीएन क्लब लंदन, असिस्टेंट ऑफ पीएन क्लब लंदन, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा आंसर नंबर बी सही होता है, प्रेसिडेंट ऑफ पीएन क्लब लंदन। 1921 में ये प्रेसिडेंट हुए थे पीएन क्लब लंदन के। 18 क्वेश्चन आता है व्हाट वाज कन्फेयर्ड अपॉन गासवर्दी इन 1929 में गासवर्दी को कौन सी उपाधि मिली थी। तो ए आता है इसका ऑप्शन ऑर्डर ऑफ डिमेरिट, बी ऑप्शन बुकर प्राइज, सी ऑप्शन ऑर्डर ऑफ मेरिट और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा सी आंसर सही होता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिले थी 1929 में। फिर अगला क्वेश्चन आता है द फर्स्ट प्ले ऑफ गासवर्दी, इस गासवर्दी का पहला प्ले कौन सा था। तो आंसर है इसका ए सिल्वर बॉक्स, बी जस्टिस, सी लॉयल्टीज, डी नन ऑफ दीज। कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है सिल्वर बॉक्स। फिर आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 20, विच प्ले ऑफ गासवर्दी हैज द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट अनफेयर पार्शियल ट्रीटमेंट मेटेड आउट ऑफ द पुअर बाय द लॉ गवर्निंग वाज सोसाइटी। इट क्लियर दैट देयर आर टू लॉज, वन अ मीन फॉर द रिच, अनदर फॉर द पुअर। यानी नियम जो है स,
सजा जो है, कानून जो है, वो एक ही कानून नहीं है, रिच के लिए अलग होता है और पुअर के लिए अलग होता है। ये किसकी थीम है, किस वर्क की थीम है, जॉन गाल्स वर्दी के? तो ए ऑप्शन है इसका जस्टिस, बी ऑप्शन है द सिल्वर बॉक्स, सी ऑप्शन लॉयल्टीज, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नंबर बी सही होता है, द सिल्वर बॉक्स, यानी सिल्वर बॉक्स के चुराने पर जो गरीब है उसे सजा मिलती है और रिच जैक वार्तालाप को छोड़ दिया जाता है। तो ये आपने देखे कुछ 20 क्वेश्चन अबाउट जॉन गाल्सवर्दी। तो आई होप कि आपने सारे 20/20 अपॉन आपके आए होंगे और आप इसी तरह की प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपका स्कोर यही रहा तो आप एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। तो मिलते हैं अगले 20 क्वेश्चन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें चैनल पर, चैनल वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।